आज अभी चुना है मुझे। तो ये एक्चुअली क्या हो गया है कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा चल रहा है, लेकिन अब कुछ उजियारे प्रश्न हैं जो छोटी सी सात कविताएं और मतलब सच्ची में छोटी सी है। चलिए इस अंधेरे में जल्दी जल्दी उजियारे प्रश्न, बाकी की बातें बाद में। जब कभी छू सकें तुम्हारे हाथ जरा सी उदासी, गौर कीजिएगा, जब कभी छू सकें तुम्हारे हाथ जरा सी उदासी, किससे मांगते हो छुअन ताज़ा हवासी। दूसरी, तुम अपने आंसुओं में क्या देख पाते हो अपने सिवा किसी और का चेहरा। तुम अपने आंसुओं में क्या देख पाते हो अपने सिवा किसी और का चेहरा, यदि हाँ तो कहाँ जाते हैं वो चेहरे आंसुओं के सूख जाने पर। तीसरी कविता है, अभी तो अंधेरा भी हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं तो डिस्कस नहीं कर रहा, बाकी पापा जी के साथ मैं विमर्श भी कर रहा था, वो कुछ अलग मतलब लगा रहे थे, मैं कुछ अलग मतलब बता रहा था, ऐसा भी शेयरिंग हम कर रहे थे। तो तीसरी कविता है, कुछ लोग जहाँ हाथ लगाते हैं वो जगह सोना हो जाती है। गौर कीजिए, शैला जी आप भी सुनिएगा, कुछ लोग जहाँ हाथ लगाते हैं वो जगह सोना हो जाती है, पर ऐसे लोग कहाँ जान पाते हैं भीगने और भीग कर बहने का मज़ा। अब आगे की पंक्ति सुनने के पहले मैं दोहरा रहा हूँ, कुछ लोग जहाँ हाथ लगाते हैं वो जगह सोना हो जाती है, पर ऐसे लोग कहाँ जान पाते हैं भीगने और भीग कर बहने का मज़ा। जानना कभी कभी पा लेने से अधिक, जानना कभी कभी पा लेने से कहीं अधिक बहुमूल्य क्यों हो जाता है। मतलब जाना ही नहीं और है आपके पास तो क्या काम का है ना, ये बात। अब ये बात जो है अगली कविता लेने के पहले मैं कह रहा हूँ कि ऐसा है जी कि पाया हुआ है हमने ईश्वर को लेकिन जाना नहीं है। ये सब बातें तुम्हें जान लेने के लिए थीं या अपने आप को जान लेने के लिए, ये सब बातें तुम्हें जान लेने के लिए थीं या अपने आप को जानने के लिए, और अगर हो गया है कुछ दूर तक जानना, और अगर हो गया है कुछ दूर तक जानना अब तक, तो इसे मान लेने से इनकार क्यों है। तो ये चौथी हो गई साहब, पांचवी लें अब। तो मैंने पहले कहा आप तो प्रॉमिस था कि सात ही हैं, तो तीन छोटी छोटी बातें और हैं। पांचवी साहब, बुझने से पहले जब आलाप ले रही थी दिए की लौ, बुझने से पहले जब आलाप ले रही थी दिए की लौ, मैंने देखा था सारा जीवन एक क्षण में सिमटा हुआ। बुझने से पहले जब आलाप ले रही थी दिए की लौ, मैंने देखा था सारा जीवन एक क्षण में सिमटा हुआ। हाँ, सौंदर्य होता है संपन्न हो जाने में, शायद इसीलिए हम सभी संपन्न हो जाना चाहते हैं। अभी देखिए, संपन्न शब्द की हरकत है, आप इसको पकड़िएगा। और छठी कविता है, शब्दों की हरकत में कैसे खुल जाता है एक हिस्सा आकाश का। शब्दों की हरकत में कैसे खुल जाता है एक हिस्सा आकाश का, या शायद विस्तृत होने की चाह के कारण शब्दों की आशीष से मैं ही बन जाता हूँ आकाश। अब अंतिम एक पंक्ति है, और ये जो है एक ही पंक्ति है दरअसल, तो पापा जी ने लेकिन इसको काफ़ी सराह दिया था तो आपके साथ शेयर कराऊँ। तो एक बार मैं पापा जी को ये कविता पुनः सुना रहा हूँ। इस बार फिर टटोल रहा हूँ ये अनाम बेचैनी, जैसे घुटी हुई बदली सोच रही हो बरसूं या बिन बरसे। चली जाऊँ। इस बार फिर टटोल रहा हूँ ये अनाम बेचैनी, जैसे घुटी हुई बदली सोच रही हो बरसूं या बिन बरसे चली जाऊँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। नारायण।